उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में जन्माष्टमी के अगले दिन दो सहेलियों के शव पेड़ से लटके हुए मिले। इस वक्त एक लड़की के पिता हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? पप्पू। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953975611 पर कॉल करें। मुझे क्या हुआ था, पूरी बात बताइए कि क्या हुआ था। दोनों बच्चियां कहां गई थी और आपको कैसे पता? दोनों बच्चियां 9 बजे 9:30 बजे तक हम साथ में रहे, घर पे बुलाया। उसके बाद में जे बारिश होने के बाद में फिर जे दोबारा चले गए। करीब 9:30 बजे के बाद में हम बुला लाए, फिर 10 बजे करीब पहुंच गई हुए दोबारा। 15-20 मिनट 12:00 बजे हुए। उसके बाद में 5-6 और सहेलियाँ उनकी थी बच्चियों की, जे सब संग साथ में गई। फिर जब प्रोग्राम ख़त्म हो उसके बाद में मैं गए घर, मैंने पता बच्चन से पूछी, मगर हमारी बिटिया ना आई हमारी दोनों। इन लोगों ने कही फिर हुआ जब पता देखो जाए वहाँ पर मिली ना है। फिर हम लोगों ने ढूंढ तलाश करो पूरे मोहल्ला में ढूंढो, कहीं पर ना मिली। 2:30-3 बजे तक हम ढूंढते रहे। उसके बाद क्या हुआ? सुबह आपको जानकारी कैसे मिली? फिर सुबह 6 बजे हमारी भाभी गई लैटरिंग करने के लिए बाग में, उन्होंने देखो पेड़ पर कोई लटकू है, पास ना गई दूर से देखो। फिर हम मोहल्ला में कही, फिर हम लोग गए सब भाग के, देखो जाए हमारी बेटियाँ लटकी दोनों। जब तक फिर कंपल थाने फ़ोन करो, कायमगंज थाने फ़ोन करो, फिर जो लोग आए इन्हीं लोगों उन्हीं के सामने उतारी गई, हम लोगों ने हाथ ना लगाओ। और उसके बाद में अब उसमें ले गए फतेहगढ़ जांच भाई सब कुछ वो। अब जे उसमें रिपोर्ट में जो दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने अपने आप से खुद खुशी करी है। आपको क्या लगता है कि क्या हुआ है? हाँ मैं तो जे लगा इनके इनको गलो दबाई के मारो ही गई है। किसी के ऊपर शक है आपको? कौन करेगा ऐसा शक? तो किसी के ऊपर ना है शक, ना है मतलब ये जब उस पर जब चोट के निशान है तो बच्चियां जब अपने आप थोड़ी पीठ में डंडा मार लिया कांटे चुब लिए। बेंटन के निशान है शरीर पे पीठ पे, जब लड़की बेंटे थोड़ी बांधती हैं। आपने देखे है निशान? हाँ हमने देखे, सुबह देखे आज, उसकी वीडियो है मेरे पास। हाँ एक मोबाइल फोन भी मिला है वहाँ पर मौके पर, वो किसका फोन था? वो नहीं बच्ची के पास निकलो, बबली के पास सिम हमारी बिटिया के पास निकली, मोबाइल उसके पास निकली। किसका फोन था वो? बच्ची फोन रखती थी आपकी? नहीं। किसका फोन था वो? फोन जो लड़का का था उसको। आपका फोन था? आपका फोन कैसे पहुंचा उनके पास? क्या नाम है आपका? अमरजीत है। आपका फोन कैसे पहुंचा उनके पास? घर पे लगता है फोन, भाई मेरे भाई हैं, बुआ के लड़के हैं रामवीर भाई, तो रोज लगाते हैं। मेरे घर पे लाइट है नहीं तो मैं शाम को लगा जाते हैं, सुबह अपना लेके चले जाते काम पे, बस उसके बाद कोई पता नहीं चला। फोन यानी कि आपका घर पे रखा हुआ था? नहीं मेरा भाई के घर चार्ज पे लगाया था। हाँ चार्ज पे लगाए कि उसके बाद मैं सुबह गया, सुबह फोन आते हो गए, वो सब बात तोड़ हो गई थी। हमने शुरुआती जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें तो पुलिस कह रही है कि आत्महत्या है, आपका क्या मानना है? हमारा मानना नहीं गलत है, ये गलत है। हम तो जेकर हत्या करी गई जे तो अपनों बचाव, पुलिस अपनों बचाव कर रही है। हम आग लग जाए हमारा हम फुर्सत में बैठी हैं और उनको घुमा के केस हमारे ऊपर लाद दे कि उन्होंने खुद फांसी लगा के मार डाली। जब शरीर पर निशान दिखाई दे रहे हैं, अंधे आदमी को दिखाई दिए, आपको सामने ना दिखाई दे रहे हैं। पुलिस अपनों बचाव कर रही है, हम जल्दी आग लगवा दें निपटियाँ अपन फुर्सत में फ्री होके खाएं रोटी दाल। लेकिन शक किसी पर नहीं है आपको? तो ये बच्ची के पिता हैं जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि उनकी बेटी की जो है हत्या की गई है, आत्महत्या का मामला नहीं है। फिलहाल जो शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें पुलिस का ये कहना है कि आत्महत्या लग रही है, लेकिन जब पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही मौत के राज से पर्दा उठ पाएगा। और इन कैमरा कराया गया था, उसके आधार पर जो भी फाइंडिंग्स आई थी वो परिवार वालों को भी बताई गई थी, मीडिया को भी बताई गई थी। और अभी परिवार वालों से हम लोग की बात हुई है, मेरे और डीएम साहब दोनों की बात हुई है, और दोनों उनके मन में जो भी थोड़े डाउट हैं, चूँकि पीड़ित परिवार है और उनके पास भी कई तरह के लोग संवेदना व्यक्त करने के लिए आ रहे हैं, लोगों के मन में कई डाउट हो सकते हैं, हमने उनसे कहा है कि भाई आप अपने डाउट्स हमारे सामने वॉइस करिए और उन डाउट्स को हम सब पे जाँच करेंगे, बहुत ही गहराई में जाएंगे और कोई भी बात होगी बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से, पारदर्शी तरीके से इस प्रकरण की जाँच करके जो भी उनके डाउट्स हैं उनको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। नहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस तरह कोई बात नहीं आई है, उनके जो भी डाउट्स हैं जैसे मैंने कहा वो लेमैन हैं और अभी पीड़ित हैं,
शोक संकल्प है, तो उसमें वो बहुत सारी बातें, वो हो सकता है कि वो कुछ भावावेश में कह रहे हों, कुछ लोग कहने से कह रहे हों, कुछ उनकी बातें सही भी होंगी, जो भी बातें होंगी तार्किक होंगी, उन सब की जांच करके हम उस पर अपनी कार्रवाई करेंगे। सर, जो फोन मिला था उसके बारे में क्या कोई तहकीकात की? उस पर भी जांच चल रही है और कॉल डिटेल्स वगैरह मंगाई जा रही हैं, और जो भी फैक्ट्स आएंगे उससे हम आपको अवगत करेंगे। घटनाक्रम बता देंगे क्या घटनाक्रम? देखिए, घटनाक्रम तो कल भी बताया गया था कि सुबह परिवार वालों को पता चला कि उनकी दोनों लड़कियाँ वहाँ पेड़ पे हैं, मतलब पेड़ से उनको हैंगिंग का सिचुएशन समझ में आया। उन्होंने पुलिस को खबर की, तत्काल सब लोग पहुँचे, मैं और डीएम साहब भी मौके पर पहुँचे, फोरेंसिक टीम को बुलाया गया, बहुत गहराई से जांच की गई, और उसके बाद उनको उनसे बात करके, और वो भी संतुष्ट थे पुलिस की कार्रवाई से, उन्होंने शवों के पोस्टमार्टम की रिक्वेस्ट की, हमने वो भी कराया, उनकी जो फौती सूचना थी उस पर उसको कॉग्निजेंस लेते हुए इन कैमरा विशेषज्ञों के पैनल से उसका पोस्टमार्टम कराया गया, फिर बॉडी उनको दी गई। उनका ये कहना था कि साहब उनके कुछ परिवारीजन बाहर से आने हैं, उनका इंतज़ार करके हम लोग अंतिम संस्कार करेंगे। आज उनके परिवारीजन जो लुधियाना से और इधर उधर से आने थे वो सब आ चुके हैं, और आज वो यहाँ अटैना घाट पर आकर के उनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया, देखिए ये बातचीत अभी प्रीमेच्योरली इसको कहने से कोई फ़ायदा नहीं, जब तक कि मैं इस पूरे प्रकरण के तह तक ना पहुँच जाऊँ। हम इस प्रकरण के तहत तक पहुंचेंगे और सारे फैक्ट से आपको भी अवगत कराएंगे, घर वालों को भी अवगत कराएंगे। तो सबसे बड़ा सवाल है कि दोनों बेटियों ने मतलब जो है अलग अलग दुपट्टों को जोड़कर मतलब गांठी लगा के मतलब आत्महत्या की है, ये आपको कहना है? इन सारे सवालों पे हम लोग काम कर रहे हैं, और जो भी फैक्ट्स आएंगे उससे आपको अवगत। नहीं, अगर उनको आत्महत्या करनी थी तो अलग अलग दुपट्टे से भी आत्महत्या कर सकती, दोनों दुपट्टों को जोड़कर। जैसे मैंने आपको बताया कि देखिए, आप जो भी पॉसिबिलिटीज बता रहे हैं या घर वालों के द्वारा जो भी पॉसिबिलिटीज बताई जा रही हैं, उनकी जो भी शंकाएं हैं, हम सबको अकाउंट फॉर कर रहे हैं और सारे बिंदुओं पर जाँच कर रहे हैं, और उनके पूरे सेटिस्फैक्शन के साथ ही हम पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ ही जांच को करेंगे, और जो भी फैक्ट सामने आएंगे वो सबके सामने। सर, केस प्रकरण में अभी तक एफआईआर दर्ज की गई? अभी उनसे हमने कहा है, उनकी एक सूचना थी जिसको हम अभी एफआईआर के तौर पर ट्वीट कर रहे हैं, बाकी उनको जो भी उसमें ऐड करना होगा वो अभी इस कार्यक्रम से निपट करके हमने उनसे कहा है, वो आकर के अपनी बात कहें, जो भी ऐड करना होगा उसमें हम उसको ऐड करेंगे। सर, आत्महत्या की गई तो आत्महत्या के लिए किसी ने प्रेरित किया हो या किस प्रकार आत्महत्या करने का कारण क्या रहा? देखिए, आपको मैंने अभी बताया कि जो भी तथ्य हैं इसके बारे में जाँच की जा रही है, अभी कुछ भी कहना प्रीमेच्योर होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।